किए, कितने सर सैंपल लिए? जिला प्रशासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, उस संबंध में कार्रवाई की जानी थी, तो आज दो संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। 8 नमूने लिए गए हैं और दूध से बने जो पदार्थ हैं और दूध उनके नमूने लिए गए हैं। एक परिसर में काफ़ी गंदगी थी और प्रॉपर नियमों का पालन नहीं हो रहा था, तो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा उसको सीलबंद भी किया गया, ये कार्रवाई की। कई ऐसी दुकान है जो कि सर बिना रजिस्ट्रेशन बिना लाइसेंस के संचालित हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, फिर इन पर प्रशासन कब सख्त होगा? नहीं, इनमें जो खाद्य सुरक्षा प्रशासन है दो तरीके की कार्रवाई कर रहा है, लाइसेंस भी निलंबित करेंगे हम, रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करेंगे, और पहले भी कार्रवाई की है और लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये दो हफ्ते लगातार जिला प्रशासन के साथ इनका अभियान चलेगा और ये लगातार सैंपलिंग भी करेंगे, दुकानें सीलबंद भी होंगी अगर नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो रही है, और रजिस्ट्रेशन भी निलंबित होंगे। साथ ही दुकानदार का कहना है कि मेरा सामने का रजिस्ट्रेशन है, सामने की दुकान है मेरी, यहाँ केवल गोबर बनाने के लिए गोदाम बना रखा है। नहीं, उसके लिए भी सब नियम अनुसार लाइसेंस चाहिए है, वो उन्होंने पेश नहीं किया है तो कार्रवाई की गई है, और कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए गए जो मौके पर नहीं होना चाहिए और सब उनकी कंसेंट से ही हो रहा है, वैसा नहीं। सर, एक स्टीम से जो खोआ बन रहा था और दूध गर्म हो रहा, सर ये वैलिड है या अनवैलिड, किस तरीके का? नहीं, वैलिड तो है, वो स्टीम से बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके सब जो नियम कायदे कानून हैं उनमें अनुमतियां लेना पड़ेंगी, वो नहीं हुई है। लेकिन सर उसके लिए कोई फायर ब्रिगेड ऐसी जो कि आग ना लग जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था? वो सब करना चाहिए, वो भी नहीं है ना, वो इनको मतलब जो सुरक्षा के उपकरण लगाना चाहिए वो नहीं है, इसलिए कार्रवाई हुई है। इन तो नोटिस इनको दिया है क्या कार्रवाई कुछ? नहीं, इन पर अभी तो सीलबंद किया, आगामी कार्रवाई प्रशासन करेगा, और ये नमूने लिए हैं 4, इनको लैब में भेजेंगे, आगामी जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।